देखिये तेईस जुलाई को आ रहा है देश का बजट मोदी 3.0 का पहला बजट पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है हर सेक्टर हर तबका अपने अपने लिए राहत की उम्मीद कर रहा है वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है ये तो 23 जुलाई को पता चलेगा लेकिन आपका पसंदीदा चैनल भारत वी फोर लेकर आया है खास कार्यक्रम बजट एडवाइजर इसके जरिए हम अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि देश और देशवासियों के लिए कैसा बजट अच्छा रहेगा तो आज हम चर्चा करेंगे रक्षा बजट की हमारे साथ चार खास मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे कि डिफेंस के सेक्टर में बूम लाकर कैसे आम आदमी तक को फायदा पहुंचाया जा सकता है और कैसे देश की सरहदों को सुरक्षित करने के साथ साथ दुनिया भर में भारत की धमक बढ़ाई जा सकती है तो चलिए शुरू करते हैं बजट एडवाइजर थैंक यू वेरी मच आपने शो में लाने के लिए और ये जो सब्जेक्ट बजट का है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर एक तबके को सोसाइटी के हर एक सिस्टम को ये पे असर करता है से डील करता है कोई बिरला ऐसा संस्था नहीं होगी चाहे रूरल एरियाज से टाउन एरियाज ऑल ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे बजट पे डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर की नहीं बात कर रहा मैं रेलवेज की नहीं बात कर रहा मैं बात करता हूँ सिर्फ डिफेंस की अब डिफेंस का बजट किस लिए है डिफेंस का बजट हम लोग इसलिए उसकी स्टडी करते हैं क्योंकि हमको अपना डिफेंस करना है डिफेंस का मतलब अपनी रक्षा करनी है अपनी रक्षा किससे करनी है रक्षा करनी है हमारे थ्रेट क्या है अगर थ्रेट को देखते हुए और फिर हमारी नीतियाँ क्या हैं डॉक्ट्रिन क्या है अगर हम थ्रेट को कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा भाई है इसके से हम डिपेंड कर सकते हैं चाहे वो आपकी औरतें बच्चों बीवियों को उठा के ले जा रहा है पर फिर भी आप हरी ओम करके उसको पेसीफाई करना चाहते हैं तो आपका बजट दूसरा होगा अगर आप उससे बदला लेना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं तो आपकी तैयारी दूसरी होगी और आपका बजट दूसरा होगा ये मैं डिफेंस की सिर्फ बात कर रहा हूँ अब आप भारत पर आइए भारत का डिफेंस की बात शुरू होती है तो आप सन सैतालीस से बात शुरू करते हैं कि उस समय उससे पहले भी बजट होता था ब्रिटिश इंडिया में भी बजट होता था पर वो अपनी थ्रेट को देख कर बजट करते थे आपकी थिंकिंग आपकी गवर्नमेंट की नीति बनाती है और आपकी गवर्नमेंट उस तरीके से मनी अलॉट कराती है अब बात आती है हमारे थ्रेट की अब आप देख लीजिए नाइनटीन फोर्टी सेवन से आपने शुरू की जब बात जब आपको कहा कि आपको 25 लाख फौज है तो आपके जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं 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 हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है अरे जब फौज की ज़रूरत नहीं तो ऑटोमेटिकली आपने करोड़ों खर्च ख़त्म कर दिया हम तो पुलिस से काम चला लेंगे आपके किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था जब ये बोल रहा है तो आप सोच लीजिए उस कंट्री में किस कितना क्या खर्च कर रहे होगा मिलिट्री ट्रेनिंग पे आर्म्स इक्विपमेंट पे एमोमेंट प्रोडक्शन पे तभी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ कॉफ़ी परकुलीटर बना रही थी उन्नीस में क्योंकि आपने थ्रेड परसेप्शन ऐसा देखा हिंदी चीनी भाई भाई उसको आपने सगा बना लिया कि हमारा जो पहले जो हमारे थ्रेड परसेप्शन थी वो और थी अब हमारी थ्रेड परसेप्शन और हो गई है मेरे हिसाब से हम जो बजट बनाते हैं 1.89 पॉइंट 2 और परसेंट भी नहीं होता मेरे हिसाब से साढ़े तीन से पाँच परसेंट के बीच में बजट होना चाहिए तब आपकी पूरी आधुनिक आदु, आधुनिकरण होगा पूरी आर एन डी होगी आप अपना इंजन बनाएंगे टैंक का इंजन एयरक्राफ्ट का इंजन ये सब बनाएंगे इस सब के अभाव के कारण आपकी हालत ऐसी खराब रही है कि आपको जब जब डिफेंस मिनिस्टर भागे जा रहे हैं कि चाइना इधर गुजर आ रहा है मिक ट्वेंटी नाइन और जो जहाज लेने जा रहे हैं क्यों क्योंकि आप बनाते नहीं हैं तो इसीलिए अब मैं अपनी बात यहाँ पूरी करके मैं ये सिर्फ बताऊंगा कि जैसे हम अभी से पहले डिस्कस कर रहे थे मैं ये, ये पॉइंट जनरल साहब के सामने सेना साहब के साथ रखूंगा कि वो क्या सोचते हैं कि ये बजट किस तरीके का होना चाहिए क्या और क्या चीज़ें इनपुट जाती हैं बजट के लिए देखिए जब हम आज किस संदर्भ में बजट की बात कर रहे हैं आ, बजट जो है वो पेश होना है ट्वेंटी थर्ड को और एक इंटरिम बजट आ चुका है क्योंकि इलेक्शन ईयर था तो फ़रवरी में एक बजट का रूपरेखा हमने देखा हुआ है तो उसमें डिफेंस बजट है देखिए जो हमारा इंटरिम बजट आया था वो वन पॉइंट नाइन हमारा परसेंट ऑफ जीडीपी है ये तो फ़रवरी में पेश किया गया है इसके पहले दस साल देखिए ये दस साल में जब हमारी मौजूदा सर ये आई थी जो आ, जिसको सत्ता में आए थे लोग तो ये स्टार्ट हुआ था 2.3 परसेंट से और सबसे ज्यादा 20, जो 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी में ये बढ़कर के टू गया था अभी होना क्या चाहिए हमारी ग्रोथ इस बार हम जो कर रहे हैं वो 4.7 से ग्रोथ किया है जबकि पिछले साल 13 परसेंट का ग्रोथ था तो एक गिरावट आप देखिएगा हो सकता है कि कल के बजट में हम देखेंगे और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है जब पिछले साल का जो ग्रोथ था हमारे डिफेंस बजट का वो था थर्टीन परसेंट जो इंट्रीम बजट में आया है वो फोर पॉइंट सेवन परसेंट है तो परसेंट छोटी सी बात बता रहा हूँ पैसों की बात नहीं बता रहा हूँ और हम तकरीबन सेवेंटी फोर बिलियन डॉलर अमेरिका नाइन हंड्रेड मोर देन नाइन हंड्रेड बिलियन डॉलर तो जब ऐसी बातें हो रही हैं कि हम थर्ड यू नो हम पैदान में पहुँचना चाहते हैं क्योंकि पाँचवें पैदान में इकॉनमी तो पहुँचने ही वाली है जो कि दो में पहुंच जाएगी आज हमारे पास थ्री ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जब हम पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी में और इसी समय हमारा जो डिफेंस का प्रोडक्शन है जो हमने तय रखा था कि पाँच बिलियन डॉलर का हम करेंगे सामान बेचेंगे पहली बार हुआ है ब्रह्मोस गया है अभी हमें बातें हो रही हैं तो वो कहीं हमारे इससे डिफेंस के बजट के साथ नहीं एडेड है या कहीं उसको नहीं किया गया है देखिए सुझाव बहुत है मगर जो मैं कल देखूंगा या जो 23 तारीख को जब डिफेंस आएगा बजट तो हम मैं देखूंगा कि क्या परसेंटेज वो परसेंटेज टू यू नो डिफेंस एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है हमारे जीडीपी में और दूसरा कि क्या हमारे को ग्रोथ मिला है क्या ये 4.7 पे रहेगा या 13 परसेंट पर जाएगा मेरा ये मानना है और भारत की इसको आपको ले जाना चाहिए टू मिनिमम टू पॉइंट फाइव क्योंकि डिबेट है मेरे ऐसे आदमी जो करते हैं मैं अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हूँ वहाँ पर भी जस्ट एक महीना लगा कर और वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं क्योंकि नेटो का ये है नैटो का सम्मेलन हुआ है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि टू दीजिए ट्रंप साहब यही कह रहे हैं नहीं करेंगे तो हम वहाँ से नैटो से निकल जाएंगे इंडिया का हम एक डिबेट लेकर आए हैं कि ये थ्री परसेंट तक जा वाई नॉट थ्री परसेंट जब इंडिया ग्रोथ कर रहा है अमेरिका का आप देखिए तो उसका जीडीपी आज के दिन में जो ग्रोथ है हमसे बहुत थ्री परसेंट है हम तो तकरीबन आठ नौ में होवर कर रहे हैं तो इंडिया की थर्ड परसम्शन बहुत ज्यादा है चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो चाहे नर्दन बॉर्डर्स में हो या हमारे टू एंड हाफ फ्रंट की हम जब बात करते हैं इसमें भी दो आकलन है एक रेवेन्यू है और एक कैपिटल है जहां तक डिफेंस बजट की बात है मेरा आकलन ये है कि डिफेंस बजट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि देश क्या उम्मीद करता है हमारी फौज से देखिए नेशनल डिफेंस पॉलिसी हर मुल्क अपने लिए बनाता है और हर देश की जो जनता है वो उम्मीद करती है कि फौज जब युद्ध होगा तो क्या करेगी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि हमारे तो डिफाइंड दुश्मन है पाकिस्तान पश्चिम में हमारा दुश्मन है हम पर हमला कर चुका है उत्तर में चीन हमारा दुश्मन है वो हम पर हमला कर चुका है आज भी चीन ने हम पर दबाव बनाया हुआ है तो दो दुश्मन तो हमारे क्लियरली हैं एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अगर हम दुश्मन समझते हैं चीन से भी अगर हमें खतरा है तो डिफेंस बजट इतना होना चाहिए जिससे कि कम से कम हम अपने को पाकिस्तान और चीन से बचा सकें यानी कल अगर पाकिस्तान ने हमला किया और चीन हमारे ऊपर मंडराए या चीन ने हमला किया और पाकिस्तान हमारे पीठ के पीछे कुछ खुराफात करे तो दोनों को एक साथ हम बचा सकें देश को इससे ज़्यादा भी हमारी डिफेंस पॉलिसी हो सकती है हो सकता है कि भारत की जनता हमारी सरकार ये तय करे कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान और चीन से अपने को बचाएंगे वरन ज़रूरत पड़ने पर हम पाकिस्तान और चीन के ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं युद्ध के जरिए जिसे हम कहते हैं ऑफेंसिव एक्शन क्या हम पाकिस्तान में घुसकर लाहौर को लेना चाहते हैं सरकार को डिसाइड करना चाहिए कल क्या, चीन हम पर हमला करेगा तो क्या हम चीन को बॉर्डर पर एल पर रोक के रखेंगे रहें, या भारत सरकार चाहती है हमारी जनता चाहती है कि हम चीन में पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर अंदर घुस जाएं? नेशनल डिफेंस बजट इसके हिसाब से तय करना होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अब भारत आगे बढ़ रहा है भारत का जो इन्फ्लुएंस है हमारी एयरफोर्स आज देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज कर रही है हमारी नेवी जो है वो पश्चिम में गल्फ़ तक डिप्लॉय हो जाती है तो भारत सरकार शायद ये उम्मीद करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस से कि हम पश्चिम में गल्फ कंट्रीज़ तक अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक डोमिनेट करेंगे और शायद पूरब में भी एक रिक्वायरमेंट हो जाए Uh, हो सकता है से दस साल बीस साल के बाद ऐसी नौबत आ जाए कि हमारी फोर्सेस को चाहे वो आर्मी हो एयरफोर्स हो या नेवी हो पूर्व में साउथ चाइना सी तक ऑपरेट करना पड़ जाए शायद हमारी एयरफोर्स और नेवी को स्टेट ऑफ मलक्का से बढ़ते हुए इंडोनेशिया की तरफ चाइनीज शिपिंग को इंटरडिक्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है पीस कीपिंग फोर्सेज में हम डिप्लॉय होते हैं पूरी दुनिया में तो डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हम पाकिस्तान और चीन से अपने को बचा सकें दूसरा डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान और चीन पर जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा ऑफेंसिव कार्रवाई करते हुए उनको दबा सकें और तीसरी बात है कि हमारी जो जियो नीड है कि ग्लोब में हमारी एक जो स्टैंडिंग है कि हम अरब से लेकर सिंगापुर तक और शायद ईस्ट चाइना सी तक अपने प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं डिफेंस बजट उसको सपोर्ट करना चाहिए जुलाई को निर्मला सीताराम जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट करेंगी तो उम्मीद है कि छह लाख करोड़ से ऊपर का बजट जाएगा तो इसमें अगर हम देखें पिछले चार साल से आंकड़े अगर हम देखें तो इंक्रीज रिलेटिव इंक्रीज होती जा रही है अगर घर में कोई बेकर है जो बेकिंग जानता है फादर या मदर कोई भी हो सकता है तो घर में वो बेकिंग बनाए तो जाहिर सी बात है आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता होंगे क्या मिलाया है केक के अंदर वो सस्ता भी पड़ेगा और वो रिलायबल भी होएगा और आपको उसका स्वाद भी ज़्यादा आएगा बस ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया तो मेक इन इंडिया में जब हम अपना इक्विपमेंट ख़ुद बनाएंगे बनाएंगे ही नहीं केवल हम बाहर बेचेंगे भी आज की तारीख में हिंदुस्तान फिलीपींस जैसे अन्य देशों को इक्विपमेंट बेचता भी है मैन्युफैक्चर करके पहले का ज़माना था कि भाई हम केवल रूस या इसराइल या अमेरिका हम बस देखते थे उन देशों को ठीक है तो अब जब डिफेंस बजट जिसमें आपको बताया तेईस जुलाई को आएगा तो इससे बहुत उम्मीदें हैं पहली बात तो मेक इन इंडिया कि मैं बहुत आगे की मैं ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का सपना था इसको मैं काफ़ी आगे तक देख रहा हूँ इसमें मेक इन इंडिया में दूसरी बात हम जो इक्विपमेंट हैं प्रोक्योमेंट्स ये दस साल पहले बहुत टाइम से ये लल था रुकी हुई थी प्रोक्योरमेंट्स नहीं हो रही थी क्यों क्योंकि बहुत से केसेस हुए थे कि भाई ऐसा मालूम आया था ख़बरों में आया था कि भाई किकबैक्स आ रहे हैं तो लोग डर रहे थे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए क्योंकि एक डील उस टाइम पे 300 करोड़ रुपए की हो रही थी तो एक छोटी सी डील तो लोग सोचेंगे अरे भाई अगर हम इसमें फंसेंगे तो हम सब फंसे जाएंगे यहाँ पे बुलंद तरीके से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं आज की तारीख में एफ ओस में राफेल नेवी में आई एन आप देखिए आर्मी में ए के फोर्टी सेवन थी पर ए के छप्पन आई अब ए के के असल्ट राइफल्स के एडवांस वर्जन भी आ रहे हैं तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बजट हमारा बढ़ रहा है आपको एक और मैं एग्जाम्पल देखे यहाँ पर समाप्त करूँगा देखिए मेरा बजट है मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है वो हर बार उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए चाहे लैपटॉप हो आप मोबाइल अपना अपग्रेड करते हैं ना हर बार मोबाइल लेते हैं अलग अलग फ़ीचर्स लेते हैं उसमें बस ठीक उसी तरीके से आज की तारीख में फौज वो फौज नहीं है कि आप सौ पुशअप मार दो या सौ दंड मार दो टेक्नोलॉजी बहुत टेक्निकल हो गई है बहुत डिजिटाइजेशन आ गया है तो अगर मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है ठीक है और नई गाड़ी का बजट मैं इतना रखता हूँ वहीं पर ही मैं देखूँगा मेरे को दो लैपटॉप भी लेने हैं मेरे को तीन मोबाइल भी लेने हैं घर के लिए तो आप बजट करेंगे ना बस ठीक उसी तरीके से कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में आप डिफेंस का बजट रखेंगे और आप अपनी प्रोक्योरमेंट अपने इस हिसाब से सर so, आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में सर देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें पर सबसे बड़ी चीज़ ये है बर्थडे की बात आप कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं पहली बात तो है आपके अंदर की पॉलिसी क्या है अगर आपके पॉलिसी जो कहती है कि हम हम इस पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे तब उस पॉलिसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा दूसरी बात यह है जब डिफेंस की बात आती है तो हम सब ने बात की है इंडिजनाइजेशन की अब ब्रह्मोस बन रही है अब ब्रह्मोस जाके बाहर से हमको प, जो हमारे एक्सचक् एक में पैसा आ रहा है अब आ रहा है तो आप कैसे डिफाइन कर, करेंगे अपने डिफेंस के बजट को द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड जो फॉर एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट इंजन बनाने लग गए रफाल का इंजन क्या दिया फ्रांस ने आप बनाइए आपने इंजन बनाना शुरू कर दिया आप उसको अब थाईलैंड को बेच रहे हैं म्यांमार को बेच रहे हैं फ्रांस इज हैप्पी यू आर हैप्पी नाउ वॉट वेर डज योर डिफेंस बजट गो आई मीन योर 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 इनकम इज सो हाई दैट ऑटोमेटिकली थिंग्स इम्प्रूव तो हमको ये इस ये सारा का सारा ऑल डिपेंड्स की आपकी डॉक्ट्रिनल थिंकिंग क्या है एज़ फार डिफेंस इज कंसर्न आपकी डॉक्टर थिंकिंग ठीक नहीं है तो आपको फिर डिफेंस को आप वैसे ही खर्च करेंगे यू आप घोड़े को घोड़े घोड़ा नहीं करेंगे घोड़े को खच्चर बना के रखेंगे तो घोड़ा खच्चर रहेगा और या आप उसको स्पोर्ट्स में पोलो में लगाएंगे वो तो पोलो में जाएगा तो आई पर्सनली फील बहुत चीज़ें जाती हैं इंडिजनाइजेशन में साइंटिफिक डेवलपमेंट में नहीं तो आपकी एक ऑनेस्ट राइफल अभी बनानी शुरू कर दी होती अभी तक नहीं बना रहे हम, ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है हमको, आती है सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम थिंकिंग पिछले साल जम था, और में बहुत बड़ा अंतर है इस बार का जो इंटरव्यू बजट आया हुआ है, हाँ। है, हाँ, तो तो है।, है आज जो देखने वाली आप किस आप कोई जब हम परखते हैं सोना को तो आप किस चीज से परखेंगे परखेंगे नहीं कि क्या एलोकेशंस हैं क्या हमारे को मिला है आप परखेंगे कि क्या हमारा ग्रोथ है hmm. ग्रोथ यदि आप लेके थम रूल जो सब लोग को देखना चाहिए तेईस तारीख को यदि ये हॉवर करता है 4.7 से लेके अभी थर्टीन परसेंट से यदि नीचे है तो हम लास्ट ईयर जो हमारा जो था उसके एक फिनंशियल के हम नज़दीक भी नहीं अरे तेरह और फोर में बहुत फ़र्क है और ये गवर्नमेंट समझती है आज की सत्ता जो समझ जो लोग कर रहे हैं वो समझते हैं